भारत के देव भूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड में गंगा किनारे बसा ऋषिकेश आज देश विदेश के तपस्वियों के लिए अध्यात्म का केंद्र बन चुका है। यहां आने वाले तपस्वियों की अध्यात्म तथा शांति की खोज लगता है जैसे ऋषिकेश में पहुंचकर समाप्त हो जाती है। जीवन मुक्ति तथा मोक्ष के बीच के अंतर को यहां समझा जा सकता है। मनुष्य के कर्म नहीं उसे पृथ्वी पर वापस लाते, उसकी इच्छाएं लाती हैं। जिसके मन में कोई इच्छा बाकी ना हो वो वापस नहीं आए। ये वापस प्रश्न ऐसा हो जाता है कि साधु बनने से पहले मेरा ये मानना है कि मैं बचपन से साधु था, यानी कि आई एम नॉट चेंज्ड, आई एम द सेम, बट ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस ऑफ लाइफ, क्योंकि किसी का जीवन के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उन घटनाओं के कारण से ये वेश हमारे ऊपर आ जाता है, ये पहना नहीं जाता, आ जाता है। मुझे तो इस देश में ये दिखाई दिया कि ये आ गया मेरे ऊपर, मैं साधु बना नहीं। इसको पहने हुए को हम साधु कहते हैं, लेकिन आप भी साधु हैं, आप भी साधु हैं, आप भी साधु हैं, आप भी साधु हैं, यहाँ पे साधु तो मैं किसी में कमी नहीं है। साधु का मतलब होता है जिसने अपने आप को साध रखा है, वो आप कैमरा में साध रखे हैं, खुद को लगातार ध्यान दे रहे हैं तो साध रहे हैं ना, तो साधु हैं आप भी। आप प्रश्न की तरफ ध्यान दे रहे हैं, प्रश्न का उत्तर सुन रहे हैं, साध रहे हैं खुद को, तो साधु हैं आप भी। साधु एक शब्द है जो व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा, साधा हुआ। पहले से हमारी रुचि थी कि मैं साधु हो जाऊँगा, तो संत महात्मा आते थे, उनके साथ में बैठते थे, तो मेरी माँ ने कहा, माँ हमारी घबरा रही थी कि मैं अपने माता पिता का अकेला ही था, तो वो सोच रही थी कि हमारा बच्चा ये साधुओं के साथ में भाग जाएगा, तो हमारी रखवाली करने लगी। तो उसके बाद में फिर हमने सोचा, एक दिन हमारी माँ रोने लगी कि हमारी बहू नहीं है और हम शादी करते नहीं थे, तो फिर हमने शादी की। शादी होने के बाद एक लड़का हुआ, औरत हुई, और उनकी खुशी के लिए सब कुछ किया हमने। हाँ, फिर उसके बाद में अचानक ऐसी घटना हुई, उस लड़के को पीलिया की मर्ज बन गई, तो हमने लखनऊ से इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया, ख़त्म हो गया। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में मेरी माँ ख़त्म हो गई, उसके बाद में हमारी पत्नी की कैंसर बन गया, पत्नी भी ख़त्म हो गई। तो हमने सोचा अब फिर क्या करना, परिवार के लोग फिर दोबारा शादी के लिए कहते रहे, हमने कहा नहीं, जब भगवान ने दिया सब कुछ हमारे पास से छीन लिया, तो अब तो बस भगवान का भजन ही करना, बस तब से साधु हो गए। और वहाँ से फिर इधर से इधर रामेश्वर गए, कुंवारी कन्या गए, हर जगह घूमते घूमते फिर यहाँ आ गए रामानंद। अब यहाँ है रामानंद आश्रम में। पीछे हम गया सीमेंस इंडिया में, उधर काम किया, ऐसा 23 बरस काम किया, बाद में ये मार्ग में आया। हमारा बचपन ही से भगवान से जरा जाति प्यार है, बचपन ही से मालूम है क्यों। तो एक टाइम आ गया, मन बोला अभी सब बस छोड़ के जाओ। Shankara writes a bhashya on Bhagavad Gita, and the question is basically asked to him: how do you identify someone who's enlightened, or a swami, or a guru, or a sadhu? But the essence of the question is there. How do you know? You will not know from their clothing. You will not know from their titles. You will not know from their age, or their gender, or their race. वैसे तो हम बचपन से मंदिरों में ही समर्पित हैं, और उस टाइम तो संस्कृत और संगीत पढ़ते थे, अभी भी म्यूज़िक और संगीत का चल ही रहा है, और साथ में क्या है कि ये सेवा का काम है, तो हम सब सेवा करते हैं उसमें। What is truth? What is untruth? It is not in the words that you speak. It is in the way you hold the life within you. It is in the way you are. ऋषिकेश में यहाँ आने से ये लाभ मिला, ये हमारा रामानंद आश्रम है, इसमें संतों की सेवा होती है, हमारे पुजारी जी जो है वो बहुत बढ़िया संत हैं और सबकी सेवा करते हैं, और यहाँ गंगा मैया का धाम है, पावनी गंगा है,
संगे भागीरथी कहलाती हैं, सागर के पुत्रों को इन्होंने तारा ना, तो इसीलिए इनकी शरण में आ गए, यहीं भजन करेंगे, पड़े रहेंगे और बस, तो इसी वजह से यहाँ ऋषिकेश में आ। और वैसे तो ऋषिकेश गए, सेतुआ रामेश्वर गए, द्वारिकापुरी गए, हर जगह आ गए, लेकिन जितना अच्छा हमको यहाँ लगा इतना हर जगह अच्छा नहीं, तो इसीलिए अब यहीं गंगा माँ के देखो सामने बैठे हुए भजन करते। ये जो पृथ्वी है उस ग्रह पे हम लोग ऐसे ही विचरण करते हुए आते हैं और जहाँ जन्म लेते हैं वो स्थान हमारा जन्म स्थान कहलाता है, और जो व्यक्ति जन्म स्थान के बाद किसी गृहस्थी में फंस जाता है उसके लिए वो गृहस्थी स्थान फंसा हुआ कहलाता है। हम लोग जो विचरण करके शरीर के अंदर में इस तरह से आत्मज्ञान के लिए निकलते हैं, जैसे साधु के रूप में कहा जाता है देश में, वो लोग जहाँ पे फिर मन आता है वहाँ पर रुक जाते हैं, और फिर वहाँ से मन हट जाता है तो और कहीं चले जाते हैं। ये मन हटता कब है, कब रह जाता है, ऐसी कोई समय सीमा नहीं होती है। ये प्राकृतिक होता है, इट इज लाइक जैसे कोई आपकी पत्ता टूटा दाल से ले गई पवन उड़ाए, तो उसको पवन उड़ाए कहाँ ले जाती है, किधर जाता है, निश्चित कहाँ ले जाता है। 10 साल से यहीं पर रहते हैं गुजरात में, हमारे कई स्थान है और एक स्थान यहाँ पे बनाया है ताकि यहाँ पे जो लोग आए उसे भजन का और शांति का अनुभव हो। तो यहाँ से लोग यात्रा करने के लिए ज़्यादातर लोग इसीलिए आते हैं, हम यहाँ रहने की और भोजन की व्यवस्था यहाँ करते हैं। वैसे तो सारे स्थान पवित्र होते हैं, कोई भी स्थान जहाँ भी अगर हम मंदिर बनाते हैं वो जगित्र जगह पवित्र हो जाती है, क्योंकि जहाँ भगवान विराजते हैं। लेकिन जहाँ से गंगा नदी गुजरती है ऐसा ऋषिकेश जो स्थान है वो अपने आप में कुछ एनर्जी और आध्यात्मिकता का प्रवेश कराता है, और इस पूरे संसार से कोई भी व्यक्ति अगर ऋषिकेश में आएगा तो उसको अपने आप शांति मिलेगी। तो ऐसा पवित्र स्थान है क्योंकि ये भगवान के भजन का प्रताप है, क्योंकि भगवान राम ने यहाँ पर तप किया, ध्रुव जी ने यहाँ पर तप किया, लक्ष्मण जी यहाँ पर रहे थे और तप किया था, और भरत जी वो भी यहाँ पर रहे थे और तप किया था। उसके पीछे कई ऋषि मुनियों ने भी यहाँ पर इस स्थान में रह के तपस्या की है, भजन किया, तो उसका एक प्रभाव होता है जो ये सबको फील होता है, तो इसलिए हमने ये स्थान पसंद किया। यहाँ जितना शांति का अनुभव होता है वो कोई और जगह पर नहीं होता। साधना का जो सकाल है उसके लिए कभी ये नहीं कहा जाता कि कब से कर रहे हैं, विचार ये होता है कि कब आपको प्राप्ति हुई। विशेष इसका ये है कि इससे पता चलता है कितना हमने जाप किया है, जो माला है अजर है बैठे जाप कर रहे हैं, तो इससे पता चलेगा हमने 1000 का जाप किया, 2000 का, इसमें 27 गुड़िया इसमें होते हैं, तो एक बार करेंगे तो 27 हो जाएगा, दो बार करेंगे। हमारा तो ज्ञान मार्ग है, वेदांत बोलता है उसका है ज्ञान मार्ग, ज्ञान के मार्ग कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है बोलता है, भक्ति है, योगा ऐसा बोलता है, मगर अपना शास्त्र से दो ही मार्ग है, ये छोड़ के दूसरा कोई मार्ग नहीं। और ये मार्ग किसके लिए, भगवान का प्राप्ति करके। प्राप्ति का जो शाब्दिक अर्थ है उसको देखेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ पाने की इच्छा बाकी नहीं रहे उसे हम प्राप्ति कहते हैं। जब वो प्राप्ति हो जाती है तो साधना साधन ये सब नष्ट, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं होती। वैसे प्रतिदिन यहाँ एक तो गुरुकुल चलता है, यहाँ विद्यार्थी रहते हैं, हम वेद पाठशाला चलाते हैं, और 3 वेद की पाठशाला यहाँ पे है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। साथ साथ में गुजरात से यात्री भी आते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था देखना, उनके लिए रहने की व्यवस्था देखना, और साथ में हमारा ध्यान भजन यहाँ काफ़ी अच्छा होता है। वैसे गुजरात में अहमदाबाद शहर है, सूरत है, बड़ौदा है, उसमें हमारा कई मंदिर है, लेकिन वहाँ एक्टिविटी ज़्यादा होती है, यहाँ पर एक्टिविटी कम होती है। बस एक ही एक्टिविटी है कि गंगा के किनारे पर बैठो और ध्यान भजन और साधना करो, तो ध्यान भजन में यहाँ पे अच्छा आनंद आता है, इसलिए यहाँ रहते हैं। कुछ नहीं करना, बस यहाँ आके बस बैठते हैं और सामने गंगा जी का दर्शन होता है, उसी से शांति मिल जाती है। आनंद एक स्टेट है जिसे पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा ही बाकी नहीं रह जाती, एक स्थिति होती है,
वो स्थिति अगर आपको मिल जाए तो उसे आप समझ सकते हैं, बाकी शब्दों में समझाना थोड़ा सा कठिन है। उदाहरण के लिए जिसे हम कह सकते हैं कि दूध किसी ने देखा है, किसी ने दूध को देखा है, किसी ने दूध के बारे में सुना है और किसी ने दूध को चखा है, पिया है। तो पीने वाले को ज़्यादा प्राप्ति हुई है, देखने वाले को कम हुई है, सुनने वाले को और कम हुई है। तो जैसे हम आपसे कह रहे हैं तो आप सुन रहे हैं। देखा है अगर आपने भगवान को तो भी आपने सिर्फ देखा ही है, लेकिन भगवान को पा लिया, पी लिया, उसे प्राप्ति कहते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हो जाएगा बीच में वो।